ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस मुल्क को आप कहाँ धकेल रहे हैं। जब मुल्क में कोई रोजगार मांगता है तो गाय पालने बोल रहे हैं, महंगाई का बात करता है तो बोल रहे हैं प्याज हम नहीं खाते, कैश बेशर्मी है। अगर तुम्हें यही करना था तो जाके थिएटर में बैठ के नौटंकी कर लेते। ये संसद थिएटर नहीं है, ये सिनेमा घर नहीं है, ये कॉमेडी का हॉल नहीं है जहाँ पर बैठ के कॉमेडी करो। देश ऐसे नहीं चलता है। देखिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी की बात करती है, आर्टिकल 21 इक्वलिटी की बात करती है। जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जब ये गवर्नमेंट, ये फासीवादी गवर्नमेंट जब ये बिल को पुट करने जा रही है अगले मंडे को, इस बिल में क्लियरली लिखा है कि उसमें मुसलमानों का कोई जगह नहीं है। इस बिल में क्लियर लिखा है कि हिंदू, जैन, पारसी और सिख, क्रिश्चियन सबको उसमें उस बिल के तहत यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस देश में एक साल नहीं, दस साल नहीं, हजारों साल से इस देश का बासिंदे हैं, इस देश में रह रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये एनआरसी के नाम पे उन तमाम लोगों को इस देश से बाहर उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आप बताइए, ये यूनाइटेड नेशन का डेटा है ना कि ये वही मुल्क है जिस मुल्क के 80 लाख बच्चे डेली बिना खाए सोते हैं, और आप उस देश से आप आईडी कार्ड और उनके पास आईडी और डॉक्यूमेंट्स का आप तवक्कु करते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने का घर नहीं है, जिनके पास सोने को बिस्तर नहीं है, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स का तवक्कु करते हैं, कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? अगर ऐसा हुआ, ये एनआरसी और ये सिटीजनशिप दोनों अलग अलग नहीं है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करेगा, इसमें अमेंड करेगा, उसके तहत ये एनआरसी लाएगा, और जिसके अंदर करोड़ों मुस्लिम, करोड़ों गरीब, करोड़ों बेघर, जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना सोने को जगह है, जिनके पास ना खाने को, वो इस देश से बेदखल कर दिया जाएगा। अब फिर वो कहाँ जाएगा? वो उन्हीं को जाना पड़ेगा डिटेंशन कैंप पे रहने के लिए। उनके साथ वही होगा जो आज म्यांमार में रोहिंग्या के साथ हो रहा है, उनके साथ वही होगा जो 1935 में जर्मन के हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था, क्योंकि ज्यूज ने भी 1935 में कुछ ऐसा ही फरमान लाया था, ल्योनबर्ग लॉ लाया था, उसके तहत वहाँ के जितने भी एक खास करके एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस उसने वो निकाला था, और उनको उस देश से अलग करके उसको डिटेंशन कैंप में भेज के उनको गैस में डाल के उनको खत्म किया था, निस्तो नाबूद किया था। तो आप अपने मुल्क को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप अपने मुल्क को कहां पर धकेल रहे हैं? आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इसराइल, श्रीलंका की, हम क्यों बात कर रहे हैं किसी देश का? क्या ये इंटरनेशनल पॉलिसी ये कहती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री किसी मुल्क में जाके वो दखल अंदाज करेगा? जब ये नहीं करेगा तो हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश की बात करेंगे। हम कहते हैं कि ये केवल ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल अन्याय है, ये मुसलमानों की आइडेंटिटी पे चोट है, उनकी एग्जिस्टेंस की सवाल है। और इतना ही नहीं, इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात है, वी द पीपल एक्सेप्ट मुस्लिम की बात नहीं है। इसलिए हम मानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और ये देश इस तरह के अमेंडमेंट बिल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। चाहे वो पास भी हो जाए अगर बिल, तो उनको बता देना चाहेंगे कि जिस तरह SC ST बिल में सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, लेकिन SC ST के लोग, समाज सड़कों पे उतरा था और तुम्हें अमेंड करना पड़ा और तुम्हें वापस लेना पड़ा, वैसा ही करेंगे। इस देश के हर एक नौजवान, पढ़े लिखे लोग, अमन पसंद लोग, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, वो सड़कों पर उतरेंगे, और इस देश के जो हुक्मरान में बैठे हैं, अपने आप को सिकंदर समझ बैठे हैं और हिटलर समझ बैठे हैं, ये चाहते हैं कि देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, जहाँ पर कोई कानून नहीं, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, एनार्किज्म ला रखा है उस देश में आप तरह तरह के बिल ला रहे हैं, आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपका GDP लुढ़क रहा है, आपका इकोनॉमी संभाल नहीं रहा, पेट्रोलियम आपका संभाल नहीं रहा, आप तरह तरह के बिल ला के आप देश की इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे, आप देश को चला पाएंगे? इसलिए हम सड़कों पर उतरे हैं, और आज ही नहीं, आने वाले दिन हम तब तक सड़कों पर उतरेंगे जब तक इस तरह का अमेंडमेंट बिल को वापस ना ले ले, जब तक इस तरह के ड्रैकोनियन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को वापस ना ले ले, तब तक हम सड़कों पर आते रहेंगे। आपको लगता है मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? एकदम बिल्कुल, इसमें लगने की कोई बात ही नहीं, ये एक
एकदम उसमें क्लियर है कि जब ये हिंदू क्रिश्चियन जैन सिख पारसी की बात है तो उसमें केवल मुस्लिम आइडेंटिटी को हटाया गया और ये जानबूझ के हटाया गया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया गया कि ये नाजी से वो जर्मनी से हिटलर से प्रेरित होकर इनके आरएसएस के गोलवलकर और हेडग्वार की ये पॉलिसी है कि ये देश में एक खास तरह के आइडेंटिटी के लोग रहेंगे, एक मजहब होगा, एक जात होगी और एक जबान होगी। इसी पैटर्न में इस देश को बनाना चाहते हैं और उसी आइडियोलॉजी को तमाम लोगों में थोपना चाहते हैं जो आरएसएस का आइडियोलॉजी कहता है कि इस देश में हिंदू होगा, जबान हिंदुस्तानी होगा और ये क्या कहते हैं, ये मुल्क का नाम होगा हिंदुस्तान। वही आइडियोलॉजी तमाम लोगों पर थोपना चाहते हैं और मुस्लिम आइडेंटिटी को। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत है इनका, आज मुस्लिम पे है, कल ईसाई पे होगा, परसों सिख पे होगा, उसके बाद फिर पारसी पे होगा। इनका वो जो आइडियोलॉजी है कि इस देश में केवल हिंदू होंगे, इस देश में हिंदुस्तान और हिंदी की जो बात है इस आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं। इसीलिए आज मुस्लिम पे अटैक है, कल आप पे होगा, परसों इन पे होगा, तमाम तरीके करके अपने आइडियोलॉजी अपने मनसूबे को यहाँ पर पारित करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस मुल्क के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आप देखिए सड़कों में हजारों की तादाद में है, इतना शॉर्ट नोटिस में कल हमने कॉल दिया था, आने वाले दिनों में हम लाखों के तादाद में उतरेंगे इस सड़कों पर और घेरेंगे पार्लियामेंट को और बताएंगे कि भगत सिंह ने कहा था कि अंदर में बैठे लोग अगर बहरे हो जाए तो धमाके की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम आवाज़ सुनाने आए हैं, ज़रूरत पड़े तो हम धमाका भी करेंगे और इनको सुनाएंगे। हम नारे की बुलंद को बुलंद करेंगे, नारे की आवाज़ से हम अपने अधिकार अपनी हक की मांग को बुलंद करेंगे, अपने हक की मांग को इतना गूंजेंगे कि इसका कि पार्लियामेंट बजेगा गूंजेगा और उससे इनको पता चलेगा कि ये देश अमन पसंद मुल्क है, ये देश बाबा साहब की सोच पे चलने वाला मुल्क है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात पे चलने वाला है, ये देश गांधी की बात पे चलने वाला है, तुम्हारा नंगे हेड ग्वार और सावरकर और गोलवाल क्रिकेट की बात पे नहीं चलने वाला। जिनको 6 महीना जेल में बंद होकर नहीं हुआ, पेट में दर्द होने लगा, वो क्या कहते हैं नॉन ऑफ मर्सी पिटीशन लिखता है, हम उनके पैरों पर उनके कदमों पर चलने वालों में से नहीं। हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम बापू को मानते हैं, जिस बापू को ये संसद में बैठे वो आतंकी साध्वी प्रज्ञा कहती है कि महात्मा गांधी का कातिल देशभक्त है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि वो जिसने मारा महात्मा गांधी को, जिसने गोली मारा, वो भी कातिल है, वो भी आतंकवाद है और उसको डिफेंड करने वाला भी आतंकवाद है। और ऐसे संविधान के जहां पर संविधान रखा हो, जो देश का कानून तय करता हो, जो देश का फ्यूचर तय करता हो, संसद में बैठ के एक आतंकवादी लेडी साध्वी प्रज्ञा वहां पर बैठ के बताती है कि बापू जी का कातिल देशभक्त है, ऐसे नहीं चलेगा। ये आइडियोलॉजी को ये देश पसंद नहीं करेगा, ये गांधी जी का देश है। इसलिए कहते हैं सखा वो कहो कौन सा देश, जो सब देशों से सिरमोर, जहां गंगा यमुना की धार की जिसकी भारी बुद्ध ने गोद, जहां गांधी जी का अवतार, ये गांधी जी का अवतार वाली देश है, ये गोलवलकर और हेडग्वार जैसे तुम्हारे नंगे आइडियोलॉग का ये मुहूर्त नहीं है। ये देश चलेगा तो गांधी के सपनों पर चलेगा, ये देश चलेगा तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलेगा, ये देश चलेगा तो नेहरू जी के सपनों को साकार करने के लिए चलेगा, तुम्हारे नंगे फकीरों की बात पे नहीं चलने वाला होगा। जो आइडियोलॉजी इस देश में नहीं, वो लाते हैं मुसोलिनी से, वो लाते हैं हिटलर से लाते हैं और लाके इस देश में चलाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है संक्षेप में टिप्पणी, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, तो फिर इस तरह की अगर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात ये करते हैं, उनकी भतीजी का पर्स चोरी हुआ था ना, कितने देर में मिला, और उन्नाव का जो रेप विक्टिम थी उनके साथ क्या हुआ, कठुआ के रेप विक्टिम के साथ क्या हुआ। इस देश के तमाम वो लोग जो डिमोनिटाइजेशन होने के बाद 111 लोग मारे गए, उनका क्या हुआ। इस मुस्लिम अगर सबका साथ सबका विकास है तो आप क्या कोट अनकोट आप ये नहीं बोले थे कि सबका साथ सबका विकास एक्सेप्ट मुस्लिम, ये आप बोले थे क्या? नहीं बोले थे, तो आप क्यों मुस्लिम को एक्सक्लूड कर रहे हैं? ये जुमला था, जुमला भी नहीं, ये झूठ है।
ये झूठ है, मक्कार है। ऐसे ऐसे शासक जब भी, ऐसे ऐसे हुक्मरान जब भी सत्ता पे काबिज होता है तो किसी मुल्क का बर्बादी और तबाही होना तय है। इसीलिए हम कहते हैं ये जाहिल हैं, ये पागल लोग हैं, इनको नहीं पता कि देश कैसे चलाया जाता है। आप प्याज नहीं खाते इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं बनता। शर्म नहीं आती आपको बोलने में? शर्म नहीं आती आपको बोलने में कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस मुल्क को आप कहाँ धकेल रहे हैं? जब मुल्क में कोई रोजगार मांगता है तो गाय पालने बोल रहे हैं, महंगाई का बात करता है तो बोल रहे हैं प्याज हम नहीं खाते, क्या बेशर्मी है। अगर तुम्हें यही करना था तो जाके थिएटर में बैठ के नौटंकी कर लेते। ये संसद थिएटर नहीं है, ये सिनेमा घर नहीं है, ये कॉमेडी का हॉल नहीं है जहाँ पर बैठ के कॉमेडी करो। देश ऐसे नहीं चलता है। गांधी जी ने कहा था कि अगर सोसाइटी में जब तक बराबरी का, एक महिला, एक किसान, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख ईसाई, हर एक क्लास के लोग, हर एक कास्ट के लोग, हर एक रिलीजन के लोग जब तक बराबर नहीं हो जाएगा समाज में, तब तक वो सपना अधूरा हो जाएगा। जिस रात का सपना हमें नेहरू जी ने दिखाया था कि द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा।